हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे थ्री पार्टी इन्वॉल्व होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट है जो कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है इनको, और गवर्नमेंट जो है इनके पास इतना फंड तो होता नहीं कि ये प्रोजेक्ट जो रोड रेलवेज बनाए, तो ये क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, टेंडर इशू करते हैं, और जिस टेंडर में जिस कॉन्ट्रैक्टर का बिडिंग होती है और जिसकी प्राइजेस अच्छी लगती हैं सब कुछ देखते हुए, उस कॉन्ट्रैक्ट चाहे रोड हो बनाने का, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं जिनकी प्राइस अच्छी लगी। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्या गारंटी है, सावधान से सुनिएगा, क्या गारंटी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोजेक्ट टाइम पे करेगा प्रोजेक्ट, और क्या गारंटी है कि उसकी क्वालिटी सही रहेगी। राइट, यही है, क्वालिटी सही रहेगी। कल को ख़राब हो गया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का सारा पैसा डूब गया सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट बनाना है, वो दे देती हैं कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल ये है कि क्या गारंटी है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही से काम करे। तो यहाँ पे बैंक गारंटी लेती है। राइट, बैंक लेती हैं, जिसको बैंक गारंटी के नाम से जानते हैं, कि कल को अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो ये जो भी डिफॉल्ट होगा उसकी भरपाई गवर्नमेंट को बैंक करेगी। राइट, बैंक करेगी। अब इसकी गारंटी क्यों लेता होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखती हैं एज अ कोलेट्रल, कि कल को अगर डिफॉल्ट हुआ तो इस प्रॉपर्टी को बेच करके आप क्या कर लेना, पैसा ले लेना, ये बोला गया। तो इसको कोलेट्रल भी बोल दे, इसको सिक्योर भी बोल दे। राइट, इसको सिक्योर है क्योंकि कोलेट्रल रख रहा है। बट आई बात यहाँ पे कोविड 19 में हर कुछ ही चेंज हो गया, तो ये भी एक चीज सिचुएशन आ गई। बैंक का ऑलरेडी एनपीए बहुत, नॉन प्रॉफिट एसेट बहुत इंक्रीज हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब नॉन प्रॉफिट एसेट इंक्रीज हो रहा था तो क्या हुआ, गवर्नमेंट बोली कि जिसको हमने दिया लोन वो तो अब तक मुझे लौटाया नहीं है, और गवर्नमेंट बोलती कि आप सबको फोर्स नहीं करोगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इकॉनमी में, ये भी बात है। तो बैंक बोलती कि चलो ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम आप किसी और को दे दें। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, बैंक की जगह आ गया इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी अथॉरिटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1999 में आई है, और 1 अप्रैल, राइट, कभी एक्ट आती है, 1999 एक्ट के थ्रू आई है क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 1 अप्रैल 2000 को फोर्स अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड क्या है, इशू करेगी कौन, जो है इंश्योरेंस कंपनी, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर वो श्योरिटी बॉन्ड गवर्नमेंट को जाकर दे देगी कि कल को डिफॉल्ट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी, और उसके बदले में अब वहां पे प्रॉपर्टी रखा जा रहा था, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फी देगी, मंथली फी देगी। यहाँ याद रखिएगा, बैंक के पास जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ कोलेट्रल रख रही थी, बट यहाँ पे क्या है, फीस, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है आई, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके सामने उसको फी पे करेगी। राइट, यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं रख रही है, ये बात है। चलिए ये आपको समझ आ गया कि श्योरिटी बॉन्ड कौन इशू करता है, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि किसके बिहाफ पे, इसके
कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे और गवर्नमेंट को देती है। देख लें यहाँ पे रिटर एग्रीमेंट है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी पे लिखा होता है, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है जो कि बॉन्ड, और कौन लिख रहा है, IR, जो इंश्योरेंस कंपनी IRDA, कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना, मैं दूंगा, इस प्रकार से। और ये इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, एश्योरेंस देती है, कोई बात नहीं, कल को अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो मैं पे करूंगा। और किसको, ये जो है ये श्योरिटी यूनिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज ये यूनिक टाइप का इंश्योरेंस है, क्योंकि थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है। थर्ड पार्टी कौन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे एक याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है, थ्री पार्टी ऑफ श्योरिटी एग्रीमेंट होती है, तीन पार्टी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म में इसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कुछ नहीं है, जो परचेज करता है बॉन्ड, कौन करता है, कंपनी। श्योरिटी कौन है, श्योरिटी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी और श्योरिटी कंपनी जो कि गारंटी लेती है, ऑब्लिगेशन विल बी परफॉर्म, कल को कोई प्रॉब्लम होती तो मैं दूंगा, तो यहाँ पे क्या, इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी होती है। ऑब्लिक कौन होगा, जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट या फेडरल जिनका प्रोजेक्ट है वो होगा, राइट। फॉर मोस्ट श्योरिटी बॉन्ड द ऑब्लिक कौन होता है, लोकल, स्टेट और जो हमारी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे बात आती है एडवांटेज क्या होगा। सबसे बेसिकली एडवांटेज स्टूडेंट ये है इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं रखा जा रहा। श्योरिटी, बैंक गारंटी में कोलेट्रल रखा जाता था, लेकिन श्योरिटी बॉन्ड में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कोलेट्रल नहीं रखता है, इसको नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, टाइमली ऑब्लिगेशन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो टाइमली बने, क्वालिटी बने और विद इन द बजट बने, ये श्योरिटी जो उन्होंने अपनी बिडिंग में बोला है कि इतने प्राइस में हम करके दे देंगे, उसी प्राइस पे वो करके देंगे या नहीं करके देंगे, इसकी गारंटी। यहाँ पे जो है डाइवर्स ग्रुप, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो है, यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कल को कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गारंटी दिया जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, गारंटी दी जाती है, राइट, ये चीजें लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्लेम होता है, क्लेम क्या हो रहा है, श्योरिटी बॉन्ड की, कि कल को कुछ भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, जो है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स होते हैं, कि कल को कुछ भी होगा तो मैं, जो इंश्योरेंस कंपनी वो देगी। और कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होती है, राइट, वहाँ पे क्या है, दे हैव इंश्योर्ड, इंश्योर्ड होती है, इंश्योरेंस है। अब ये क्यों है, क्योंकि मान लो कि कल को आप सुनते होगे लाइफ इंश्योरेंस होती है, कि कल को एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को श्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा, तो उस टाइप का ही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल डेट होती है, कॉन्ट्रैक्टर की डेट होती है, वो भी यहाँ पे रिड्यूस होती है। वो कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कि कल को कॉन्ट्रैक्टर बार बार डेट लेगा, और यहाँ पे इंश्योरेंस है कि इसको क्या होगा, मंथली फीस पे करेगा, आता रहेगा, फीस पे कर देगा, और फीस कर देगा अपनी वर्किंग कैपिटल, उसको कहीं से डेट नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कॉन्ट्रैक्टर की बनी रहती है, जो कि न्यूज़ में था। और श्योरिटी बॉन्ड जो है ये है, पहले बैंक गारंटी होता था, अब जो है इंश्योरेंस कंपनी करती हैं, और जिसकी अथॉरिटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से और भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये वेरियस आपके एग्जाम्स हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं BCS का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आप होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नए हम ऐसे ही करंट अफेयर और फाइनेंशियल टर्म को समझेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, तो बने रहें गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।